हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं फिर से वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस चैनल पर जो डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम है स्पेसिफिक टू जीपे या गूगल पे यूजर्स के लिए। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में सेटअप करते हो, मे बी वेरी फर्स्ट टाइम जब सेटअप करते हो, या फिर सेकेंड सिनेरियो ये है कि आप ऑलरेडी सेटअप कर चुके थे बट उसके बाद आपने सिम को इजेक्ट किया है, दोबारा से इंजेक्ट कर रहे हो। तो जब भी आप सिम को इंजेक्ट या इंजेक्ट करते हो तो आपको अपने मोबाइल नंबर को दोबारा से वैलिडेट करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जब आप अपने जीपे एप्लीकेशन को ओपन करते हो ना फर्स्ट टाइम, तो आपको अपना मोबाइल नंबर एज ए इनपुट डालना होता है। मोबाइल नंबर डाल के वो वैलिडेट होता है, उसके बाद ही जीपे एप्लीकेशन आपको अपने अकाउंट का एक्सेस देती है। तो ये प्रॉब्लम में होता क्या है, जब भी आप उस टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करते हैं जिस पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो कीबोर्ड का पॉपअप निकल के आता है और तुरंत ही बंद हो जाता है। तो मतलब आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करके उसको फर्दर वैलिडेट कर सकते। तो आज के जो वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने फोन पे इस एप्लीकेशन को उस लेवल पे सेटअप कर दिया जो प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस की थी। तो मैं क्या करता हूँ, आपको लाइव ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने मोबाइल पे अब ओपन करता हूँ और वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो आई होप कि आप ये मेरा मोबाइल देख पा रहे हैं कि इसमें, अब मैं क्या करता हूँ, जीपे एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं ड्रॉअर में गया और लेट्स से ये रही जीपे एप्लीकेशन, इसको मैंने ओपन किया। इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करूँ। तो जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ, आपने देखा होगा कि कीबोर्ड पॉपअप हुआ नीचे से और उसके बाद तुरंत पॉप डाउन हो गया। मैं दोबारा से करता हूँ, आप कितनी बार भी ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि ये टेम्पररी इशू है, आप जस्ट कीप ऑन टैपिंग ऑन दैट, ये एक्सपीरियंस आप करते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जीपे जो है ये गूगल का प्रोडक्ट है। तो जीपे इन्फोर्स करता है कि जब आप कीबोर्ड यूज करो ना, वो आप गूगल कीबोर्ड यूज करो, कोई अदर कीबोर्ड ना यूज करो। तो ये है क्या, ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका जो लैंग्वेज इनपुट वाला ऑप्शन है उसमें जी बोर्ड यानी गूगल बोर्ड की जगह कोई दूसरा बोर्ड सेटअप हो रखा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेटिंग पे जाते हैं फोन की। फोन की सेटिंग पे गए और यहां पे आपको देखना है एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आप जाएंगे तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है लैंग्वेजेस एंड इनपुट। मे बी आपके फोन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन कहीं और कॉल करता हो किसी और सेटिंग में, बट ऑप्शन यही है, लैंग्वेज एंड इनपुट पे आपको जाना है। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आपको जाना है करंट कीबोर्ड पे। आप वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंप्रेशन में दिख रहा है कि आपका करंट कीबोर्ड जो है वो है इमोजीज एंड फॉन्ट कीबोर्ड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पे अवेलेबल ऑप्शन आ गए। तो हमको करना क्या है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये इन्फोर्स करता है कि भाई आप गूगल का बोर्ड ही यूज करो। तो हम जाते हैं और जी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जी बोर्ड को सिलेक्ट कर दिया, अब वापस जाइए, वापस जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जी पे ओपन करते हैं दोबारा। इस एप्लीकेशन को ओपन किया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि कीबोर्ड पॉपअप भी हुआ और सस्टेन भी कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और मैं अपने मोबाइल नंबर को फर्दर वैलिडेट कर सकता हूं और इसके बाद आप इजीली अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यही सॉल्यूशन था जो मुझे आज के इस वीडियो में शेयर करना था। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने और फ्रेंड्स में। और अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पर। नमस्कार।